चलिए फ्लैग ऑफ हो गया सबका। और एक और बैड न्यूज की बाइक में आ गई प्रॉब्लम, अभी एमपी में आके खराब रोड भी, मतलब बहुत अच्छी रोड है फिर एकदम से आ जाती है खराब रोड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांधीनगर। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर राइड फ्रॉम गांधीनगर टू इंदौर। और सुबह सुबह सबसे पहला काम हो रहा है बाइक का इंजन ऑयल चेंज। दो दिन से घूम रहा हूँ केवड़िया से, केवड़िया पर ही हो गए थे किलोमीटर्स कंप्लीट जो करवाना था हमने सर्विस, बट टाइम नहीं था। मैंने सोचा था अहमदाबाद में रेस्ट डे में कराएंगे, बट अहमदाबाद का रेस्ट डे भी कैंसिल हो गया जो कि आज था। सो अभी यहाँ पे इंजन ऑयल चेंज करा रहा हूँ, बाकी सर्विस वॉशिंग वगैरह रास्ते में या फिर इंदौर पहुँच के ही करवानी पड़ेगी। सो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार एंड लेट्स राइड टूवर्ड्स इंदौर। रावण को वो तो रावण नहीं बोलते होंगे ना, ये है रावण। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अभिजीत, इनके घर पे आज इन्होंने ब्रेकफास्ट रखा था, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और भाई ये निकालना रोहित भाई पन्नी में से, सबको ये मोमेंटो दिया गया। और सबका पर्सनलाइज नाम भी है नीचे इसमें, तो मैंने अपना वाला रख लिया है। और डालो। तो सोसाइटी के सारे लोग भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है देख के इतने सारे बाइकर्स आए हुए। सो अब यहाँ से कहाँ जाना है, राजभवन। भाई आज का दिन होने वाला, अगर आज ने किसी ने स्किप किया तो उसकी खर्चा पानी पैसा, ओ पानी कहाँ से लीक हो रहा है। बाय बाय। चलो भैया जी, इट्स 10:23 एंड हम लोग जा रहे हैं राजभवन गांधीनगर, जहां से हम लोग आज फ्लैग ऑफ होगा। सो सारा ग्रुप पूरा साथ में एकदम, एस्कॉर्ट व्हीकल आगे हमें लेके जा रही है। और आज होने वाला है बहुत लेट, क्योंकि इंदौर बहुत दूर है यहां से, लगभग 380 किलोमीटर, 400 मान लो इधर उधर करके होगा, प्लस बीच में ब्रेक्स एंड ऑल। सो आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। वी शुड हैव स्टार्टेड अर्ली, बट इवेंट है जो कि ज़रूरी है, बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रखी है, सो वी हैव टू गो देयर। तो राइड हमारी ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होगी। सो नाउ वी आर एंटरिंग द राजभवन, जहाँ पे गवर्नर रहते हैं, गुजरात पुलिस। तो यहाँ पर भी हमारा पूरा बैनर लगा हुआ है, फ्रीडम राइडर बाइकर रैली गुजरात राजभवन। केम छो, बता चुके हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं रीजनल डायरेक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय महोदय आचार्य देवव्रत सिंह से विनती करता हूँ कि सही आप। चलिए फ्लैग ऑफ हो गया सबका, गवर्नर साहब ने फ्लैग ऑफ किया, बहुत अच्छा लगा, इतनी रिस्पेक्ट। उन्होंने अभी बोला जब फोटो खिंचवा रहे थे लास्ट, आप लोग भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, सो दैट मेक्स ऑल ऑफ अस सो प्राउड। वेलकम टू बालासिनोर डायनासोर फॉसिल पार्क एंड डायनासोर म्यूजियम, वेयर पास्ट मीट्स प्रेजेंट। तो ये है बालासिनोर, इस तरफ कोई डायनासोर म्यूजियम वगैरह है। एंड हम लोग अभी भी लगभग 300 किलोमीटर है इंदौर से पीछे। सब तक पहुँच जाएंगे।
देखते हैं। सो पौने तीन हो रहे हैं एंड आफ्टर राइडिंग फॉर 160 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप अब यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं। तो थोड़ा बाइक्स को रेस्ट देना जरूरी है, अपने को तो नहीं चाहिए था, इसी बहाने लंच भी कर लेते हैं। 3 बजे एंड होटल घनश्याम, जगह पता नहीं है कौन सी है। लंच डन, अब 210 किलोमीटर और बचा है इंदौर और बॉर्डर हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं एमपी के। सो अ न्यू स्टेट टुडे मध्य प्रदेश। और एक और बैड न्यूज़ की बाइक में आ गई प्रॉब्लम, अभी लंच के बाद बाइक स्टार्ट करी तो सेल्फ स्विच काम नहीं कर रहा है, तो धक्का मार के स्टार्ट किया बाइक को, परफेक्ट चल रही है बट पता नहीं प्रॉब्लम क्यों। लास्ट टाइम आई थी सिलीगुड़ी में और उस टाइम तो डी क्लच स्विच ख़राब हो गया था, चेंज किया तो सही हो गया, इस बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी, अब तो इंदौर जाके ही होगी ये प्रॉब्लम सही, बस अब बाइक को बंद नहीं होने देना नहीं तो फिर से धक्का लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़े बहुत हार्ड सेक्शन एमपी के रास्ते में, एमपी शुरू होने वाला है तो उससे पहले लग रहा है कि मेघालय आ गए फिर से, वैसी फील आ रही है। एमपी के चेक पोस्ट पहुंच गए, यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा लगा हुआ है, बाइक निकलने की भी जगह नहीं मिल रही यार। ऐसा कौन सा चेक पोस्ट होता है। सो बाइक होने का फ़ायदा, ऑफ रोड करके साइड से हम लोग आ गए और ये सारा जो जैम है ट्रक्स का लगा हुआ है, पूरा टोल ऑक्यूपाई कर रखा है सारे ट्रक्स के लेन ने। खुश बाइक होने के बहुत फायदे। इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक पोस्ट, थैंक यू। चलो भाई लोग, चलो चलो चलो, कितने दिन हो गए थे पहाड़ देखे और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमपी में आके पहाड़ दिखेंगे और एमपी में आके ख़राब रोड भी, मतलब बहुत अच्छी रोड है फिर एकदम से आ जाती है ख़राब रोड, गड्ढे आ जाते हैं। वाह वाह वाह, हमें लग रहा था टाइम पे पहुंचेंगे बट ऐसे स्पीड ब्रेक होती रही तो वही 8 बजेंगे 8-9। अब हम लोग आ गए हैं झबुआ में और झबुआ ऐसी जगह है जहाँ के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि इस जगह को अकेले मत क्रॉस करना, ग्रुप में ही रहना, प्लस सनसेट से पहले ट्राई करना कि ये क्रॉस हो जाए, क्योंकि इस जगह पे डकैती लूटपाट ये सारे बहुत चीज़ें सुनी गई है होती है, तो इसीलिए उतना सेफ नहीं है बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा देख के, बट हाँ ये चीज़ें जब होती है तभी पता लगती है। अभी तो वैसे भी हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है पीछे, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ से लगभग 150-160 किलोमीटर बच गया इंदौर। मुझे अभी रियर व्यू पे इतना प्यारा सनसेट दिख रहा है ना यार, क्या बताऊँ, मतलब अभी दिखाता हूँ, अभी फिर से आएगा अगर तो रोड कट गए, देखो आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अमेजिंग सनसेट, बिल्कुल ऑरेंज हुआ है सन इस तरफ दिख रहा हूँ, क्या मस्त फीलिंग है।
पहुंच गए हम इंदौर नगरी। ये मैप कहाँ कहाँ घुमा रहा है पता नहीं। 3.8 किलोमीटर बचा है अभी होटल, लेकिन कितना घुमाएगा मैप उसका अंदाजा नहीं है। सो इंदौर पहुंचा रात के 8 बजे एंड देन उसके बाद रूम में आए, वेलकम हुआ यहाँ पे सब लोगों का और उसके बाद सो गए। देन दिस इज द नेक्स्ट डे। आज बाइक सर्विस करवानी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।